पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर फिल्माई गई फिल्म 3 जून को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। लखनऊ स्थित लोक भवन में इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई, जहां पूरी कैबिनेट ने इस फिल्म को देखा। फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि ये भारत के इतिहास से लोगों को जागरूक करने वाली फिल्म है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फिल्म की प्रशंसा की और कहा कि ये फिल्म केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि इतिहास का भी आईना है। राष्ट्र निर्माण के लिए इस तरह की फिल्मों का बनना बहुत जरूरी है। अक्षय कुमार ने भी सभी का आभार जताया और कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस मन से इस फिल्म को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षय कुमार ने कहा कि समय समय पर बॉलीवुड में फिल्मों का फ्लेवर बदलता रहता है। इस समय राष्ट्रभक्ति की फिल्मों का फ्लेवर चल रहा है, अभी ऐसे और भी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। उन्होंने यूपी में फिल्म को टैक्स फ्री करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। इससे पहले सीएम योगी समेत पूरी कैबिनेट के फिल्म देखने पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तंज कसा था। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था कि ये ऐतिहासिक फिल्म देखने के बाद कैबिनेट से आग्रह है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान हालत भी देखें। इतिहास के आटे से वर्तमान की रोटी नहीं बन सकती। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने ट्वीट में एक फोटो भी शेयर की जिसमें लिखा हुआ था, सीएम योगी के साथ पूरी कैबिनेट फिल्म पृथ्वीराज देखेंगे।